नमस्कार अर्गस अपडेट सहित अपूर्व प्रथमे हेडलाइंस। कोटिया गस्त में राज्य बीजेपी टीम सभापति समीर महांती नेतृत्व में दशजनिया प्रतिनिधि दल करेंगे स्थितर समीक्षा। कोटियावासी भावावेग संपर्क को सुदृढ़ करने लक्ष्य। सेपटे सरकार का आभिमुख्य नहीं प्रश्न उठाइले विरोधी दल नेता। हिमस्खलन तीन दिन पर भी उत्तराखंड में स्वाभाविक होनी परिस्थिति। वर्तमान सुधा 32 मृतदेह उधार, एवं भी 197 निखोज। तपोवन टनेल रे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ग्यारेज रे जलीगला चारोटी बस और गोटे स्कॉर्पियो गाड़ी। भद्रक डाहाणी गड़िया छक निकट अग्निकाण्ड, तीन घंटार प्रयास पर निआ को आयत्त कला अग्निशम विभाग। अग्निकाण्डर कारण स्पष्ट। स्वाभाविक होउछि पाठ पढ़ा। आज युक्त तीन र द्वितीय वर्ष और पीजी प्रथम वर्ष क्लास आरंभ। कोविड गाइडलाइन उपरे गुरुत्व। सेबडे पिलांक पाठ्यक्रम शेष करिबा अध्यापकंक पई चैलेंज। महंगा मर्डर केस रे बड़ खुलासा। मृत्यु पूर्वरु पुओ को फोन करितले प्रफुल्ल, कहितले दुर्घटना हेले काहाकु करिबनि दाई। मरिबा आगरु षडयंत्रर सुराग पाइथिबा सूचना। श्रीमंदिर को नहीं भ्रम प्रचार करुथिले सावधान। बाइल प्रसंगे चेताइले गृहमंत्री अमित शाह। सेबडे पुरीरु नियम प्रत्याहार, लिंगराज रे कायम थिबा कहिले प्रहलाद पटेल। निष्पत्ति को धर्मेन्द्र प्रधान नेतृत्व में बीजेपी टीम रो प्रशंसा। बीजेडी नेतांक पुओ बोहुंकु नियम नाही। जाजपुर परे भद्रक चरमपारे आवास बंटन रे महाकेलेंकारी। दुई महला घर थाई भी शासक दल समिति सभ्यंक पुओ बोहुंकु मिलिछ आवास। सबु देखिबि चुप जिला प्रशासन। राज्य रे एक्टिव हैकर्स गैंग जाइछि 1.5 कोटी, फेरिछि 7 लक्ष टंका। मासकरे 1200 रु अधिक फ्रॉड कॉल। 6 मास रे साइबर ठकंक तालिका करिव कमिश्नरेट पुलिस। आज कोरापुटर कोटिया अंचल परिदर्शन करेंगे राज्य बीजेपी टीम। राज्य सभापति समीर महांती नेतृत्व में विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायकों समेत 10 जनिया टीम कोटिया अभिमुखे यात्रा करिछन्ति। तबे गस्त पूर्वरु समीर महांती कहिछन्ति कोटियावासी सह ओडिशार भावगत संपर्क को आहुरी सुदृढ़ करिबा एही गस्तर लक्ष्य। राज्य सरकार केउठी थिले, पूर्वरु काहेकि पदक्षेप नेले नाही बोली विरोधी दल नेता प्रश्न करिछन्ति। दिन प्राय गोटाए बेलू बीजेपी टीम कोटिया पहुंचा पर सेठे स्थानीय लोकों सह आलोचना करी स्थितर समीक्षा करेंगे। से ही दल पक्ष एक सांबादिक सम्मिलन करा। सुरत विश्वाल बीजेपी नेता फोनलाइन अच्छा अधिक आलोचना। श्रीयुक्त विश्वाल स्वागत करुच्छे अर्गस को। कोटिया गस्तर कार्यक्रम रही कौन लक्ष्य ए गस्तर? राज्य सभापति समीर महांती, ऑपोजिशन लीडर प्रदीप नायक भी जाऊँगी, राज्य नेतृत्व जाऊँगी। रास्ता जाक विभिन्न स्थान गई कार्यक्रम जनता उत्साह उद्दीपना आम देख समस्त कहते विलंब है। राज्य सरकार तरफ रु दीर्घ दिन है काहीकि आंध्र एते पदक्षेप नौथिबा परे राज्य सरकार तरफ रु कौन पदक्षेप निगला ना ठिकना भाव में काहीकि लोक मानते आम आउटे भावगत संपर्क को बढ़ाई दिया जा पारा ना। एभली उद्वेग जनता देखा मिलूँ। आम एवं रायगड़ा छाड़ू, रायगड़ा छाड़ू से गोटे पाखापाखि पहुंचबू से जगार पहुंचला कार्यक्रम जो सांबादिक सम्मेलन जनता सहित आलोचना ये सब कार्यक्रम हम परवर्त अवस्था भारतीय जनता पार्टी स्थितर समीक्षा कला संपर्क मतामत रख। लगे बीजेपी प्रतिनिधि दल गस्त करने कोटियावासी सहित जो भावगत संपर्क मध्य गोटे विराट शून्य स्थान सृष्टि होती से भावगत संपर्क सुदृढ़ हो कारण नेशनल पार्टी रो दुई जन प्रमुख नेता राज्य सभापति एवं ऑपोजिशन लीडर ये माने जो पहुंच कर जनता सहित आलोचना करेंगे एवं जनता भितर जिते विश्वास सृष्टि हम से कथा नुहे आम भितर भी मानने जो मैंने प्रतिनिधि दल जा प्रस्ताव देला भाई जोटा धर्मेन्द्र प्रधान कही मान्य केन्द्र मंत्री जे सब समस्त दायित्व अच्छे केवल सरकार नुहे सबु राजनीतिक दल सामाजिक संगठन समस्त दायित्व जो 36 मसीह आम सहित आमरी भाई मैंने जो अच्छा कुटिया ग्रामपुंज आन्य किसी गाँव लोक मैंने कहीं आम तरफ रु आंध्र तरफ रु पदक्षेप नि कौन उद्देश्य अच्छी आम कौन आई पार
ତାଙ୍କୁ ଆମର ନିକଟତମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗକେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सूरत विश्वाल बीजेपी राज्य कार्यकारिणी सदस्य कोटिया अभिमुखे आज राज्य बीजेपी एक प्रतिनिधि दल बाहर सहित विरोधी दल नेता प्रदीप्त नायक राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती प्रमुख प्रतिनिधि दल अच्छा कोटिया पहुंचा पर लोकों सहित आलोचना करेंगे जे प्रकृत में किभली परिस्थित कोटिया अंचल निर्वाचन प्रस्तुति चलाई आंध्र प्रदेश और क्योंपाई कोटिया अंचलवासी ओडिशा ठारु धीरे धीरे दूरे जाउछन्ती। बहुत बहुत धन्यवाद सूरत विश्वाल बीजेपी राज्य कार्यकारिणी सदस्य आम सहित एने आलोचना करथले। उत्तराखंड चमोली रे रविवार घटीथिबा हिमस्खलन घटना रे वर्तमान सुधा 32 जनकर मृतदेह मिलिछे। एबे भी 197 जन निखोज अछन्ती। एनटीपीसी तपोवन विष्णुगढ़ प्रोजेक्टर 2.5 किलोमीटर लंब टनेल भितर 25 रु 35 लोक एबे भी फसी रहिछन्ती। टनेल उभय पटु बाट बंद करा जाइछि। सेमान को उधार पई 600 रु अधिक सेना आईटीबीपी एनडीआरएफ एसडीआरएफ जवान कामरे लागिछन्ते। एहा छड़ा अचानक आसीथिबा बन्या जोगु प्रभावित गांगुडी करे लोकंकु उधार और खाद्य सामग्री पहुँचेबा कार्यरे लागिछि सेना। उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ट्वीट करी सेना और आईटीबीपी जवानक कार्यकु प्रशंसा करिछन्ते। ग्यारेज रे हुतुहुतु जलीगला चारोटी बस और गोटे स्कॉर्पियो गाड़ी। भद्रक जिला 16 नंबर जातीय राजपथ डाहाणी गड़िया छक निकट हरिशंकर ग्यारेज रे एभली अग्निकाण्ड घटे। निया जलुवा स्थानीय लोके अग्निशम बाहिनी को खबर देते। सूचनापी अग्निशम बाहिनी दीर्घ घंटार प्रयास पर निया को आयत्त करे। बस भितर शोइथिबा किछि कर्मचारी निया लागिबा देखि जीवन विकल रे बाहर को पलै आसीथिले। हटात आम रास्त जाऊ देख लु हु निटा लगभग स्टार्टिंगटा तापर जिते आम आस देख लु गोटे बस रछपटा पूरा जली जाए 10-20 मिनट भितर हु निटा आगे चलना और चारि चारिटा बस पूरा निया लगला। तापर आपणकर एपटे गोटे स्कॉर्पियो था सी भी पूरा जलीगला। तापर पूर्व स्कॉर्पियो लगवा पूर्व अग्निशम विभाग समस्ते दी दीटा गाड़ी आसी से निया लिभाइला और लिभाइवा को पाखापाखि 4 घंटा लगला। डाहरगढ़िया पाख मीना पेट्रोल पंप अच्छे सामने गोटे ग्यारेज रे 3-4 बस जाऊँगी आम आसला भयंकर भाव जाऊँ तीन टा बस एवं पाखे गोटे स्कॉर्पियो गोटे केबिन आखपाखे जो मलबा अच्छे सब आम जो रबल्स अच्छे से सब जाऊँ तेनाली सागे सागे दुई गोटी गाड़ी साहय ऑपरेशन करी वर्तमान सुधा ऑपरेशन चली। आज राज्य में कोविड नियम अनुसार खोल युक्त तीन द्वितीय वर्ष और पिजी प्रथम वर्ष एने सब कलेज और विश्वविद्यालय को निर्देश दि जाए। छात्र छात्री माने किपर ठीक भावे हॉस्टल रहिबे मास्क पिंधिबे हाथ सानिटाइज करिबे एवं किभली सामाजिक दूरत्व रक्षा करिबे से ने उच्च शिक्षा पक्षरु निर्देश दिया जाय छे। कोविड नियमर कड़ाकड़ी पालन करिबार रही छे व्यवस्था एने मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू सूचना देइछन्ती। श्रीमंदिर ऐतिह्य सुरक्षा बलय लगी आज हे जनशुणा। जमी अधिग्रहण नहीं पुनर्वास और थैथान नियम अनुजाई विस्थापित क्षतिपूरण दिज्व एथपाई नीलाद्री भक्त नवास जनशुणा नहीं विस्थापित आमंत्रण कर 75 मीटर सुरक्षा बलय भितर प्राय 80% उच्छेद सरी बेले 30 जन विस्थापित प्रशासन स्वतंत्र प्याकेज को ग्रहण करना। आज से सहित आलोचना कर चूड़ा करने को लक्ष्य रखी जिला प्रशासन। श्रीमंदिर चतुपार्श्वर सुरक्षा बलयर उन्नतीकरण आज जनशुणा बासिली साही मणिकर्णिका साही कालिका देवी साही दोलमंडप साही और चुड़ंग साही मौजारू विस्थापित लोकों को नहीं जनशुणा। विस्थापित होगा प्लॉट मालिक जमी अधिग्रहण और तज्जनित सामाजिक प्रभाव संपर्क में जनशुणा निजर मतामत उपस्थापन करेंगे। शहीद को श्रद्धांजलि। आसाम बिहार 14th रेजिमेंट सुबेदार भाव कार्य करुवा कृष्णचंद्र पंडा सड़क दुर्घटन मृत्यु होछे जहाँ कुने जन्ममाटी गंजाम जिलार चिकिटे शोकाकूल परिवेश। गतकाली संध्यारे तांका पार्थिव शरीर चिकिटी को आसिबा परे चिकिटी पेंठस्थित बासभवन को अणा जाइथिला। भारत माता की ध्वनि प्रकंपित होइथिला पूरा परिवेश। हजार हजार लोक शोभायात्रा जाई श्रद्धांजलि जणाइथिले। सूचना अनुसार 8 तारीख में आसाम संवेदनशील
ଫାୟାରିଂ ସ୍ଥଳକୁ ସେନା ବିଭାଗର ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରେ ତାଙ୍କ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଖବର ଆସିଲା। ଖବରରୁ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ସକାଳ ଆଠଟା ଅଧରେ ଖବର ଆସିଲା। ପୁଣି ଦଶଟା ସମୟରେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ସାହେବ ଆମ ୟୁନିଟ୍ରେ ନଥିଲେ, ସାହେବ ଜାଟ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଆଟାଚ୍ ଥିଲେ। ଜାଟ ରେଜିମେଣ୍ଟରୁ ଯାଉଥିଲେ ଫାୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ ଆଉ ଗାଡ଼ି ପଲଟିଗଲା। ମରଣାନ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ରାଉରକେଲା ଡିଲକ୍ସ ହୋଟେଲ ଲେନ୍ରେ ଜଣେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ସହରର ଜଣାଶୁଣା ବସେରା ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସଜନ ମିତ୍ତଲ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପରେ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଆହତ ସଜନଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଇଜିଏଚ୍ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଜବତ ହେଲା ସବୁଜ ଜହର। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କୋଡିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଏକ କାର୍ରୁ 50 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗି ଥାନା ପଣ୍ଡେଇ ଗାଁର ଇରିଆ ଅଡ଼କାଡ଼ିଆ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା କୋଲକାତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଚର୍ଚ୍ଚା କରତେ ଔର ଚର୍ଚ୍ଚା କେ ବାଦ ଉସମେ ସେ ସମାଧାନ କ୍ୟା ନିକଲତା ହେ, ଆଗେ କୈସେ ବଢ଼େଙ୍ଗେ, ଜନତା କୋ କ୍ୟା କରନା ଚାହିଏ, ଇସକି ଭି ଚର୍ଚ୍ଚା କରତେ। ମୁଝେ ୟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଚ୍ଛା ଲଗା। कल रात को मैंने कहा कि सुबह मैं जा रहा हूं, मैं भी चाहूंगा कि चाहे चक्र में शामिल हो जाए, स्वामिलित हो जाए। मुझे पता चला है कि रात के 12 बजे यहां के स्थानीय प्रशासन ने आपको इजाजत दी कि इस तरीके का चाहे चक्र हो सकता है और आपने सुबह इतनी बड़ी संख्या में चौहे चक्र में सभी लोग शामिल हुए हैं। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। हमारे दिलीप दा ने आप लोगों के साथ चर्चा की है। मुझे बताया गया कि ये जो होरियतारा पंचायत है और जो धाती गांव है, यहां पर हमारे पंचायत के प्रधान जीते हैं, उप प्रधान जीते हैं और पीसी और भाईपो की गुंडागर्दी के बाद जीते। देखिए, आपकी तालियों ने बजा दिया कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच्ची घटना। यानी नामांकन पत्र भी भरने नहीं दिया जा रहा, गुंडागर्दी हुई। जो लोग माटी मानुष के नाम पर जीत कर आते हैं वो लोग तानाशाही, तुष्टिकरण, टोलाबाजी करते हैं और हमारे गरीब किसान भाई जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था, हमारे आदिवासी भाई जिनके विकास के बारे में सोचना चाहिए था, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। किछो कोरबे ना, कुछ नहीं किया।
और जिस तरीके से हमारे गरीब भाइयों के साथ अन्याय हुआ है, बेसी दिन चोलवे ना। आगे चुनाव आएगा, ममता जी को जाना होगा और कमल को खिलाना होगा, इस बात को आपको चिंता करना। बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों के जोश को देखकर समझ रहा हूं कि जो बातें मैंने करनी है वो आप समझ चुके हैं, आप जान चुके हैं। बताइए आपको, आयुष्मान भारत सुविधा मिले थे कि बच्चे की, बच्चे की? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बच्चे की? मोदी की सरकार असले सभी की सुविधा मिल पे ये फर्क है, ये हमको समझना चाहिए। एक तरफ मोदी जी हैं जो बंगाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक तरफ ममता जी हैं जो सारे योजनाओं को रोकना चाहते हैं। आप बताइए, ममता जी को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? आता है ना, ये तो गुस्सा कह दो, क्या कारण है? होवे ना ये कट मनी बोलो, टोलाबाजी होता है कि नहीं होता है? बोलो, चांद चोर है कि नहीं है? चांद चोर के, चांद चोर के, बालीचेर के, त्रिपाल चोर के? देखो, मैंने नहीं कहा है, ये आप कह रहे हो, ये यहां की जनता कह रही है। समय आ गया है, एक कट मनी को मई महीने में कट कर दो और आगे बढ़ने के लिए, विकास के लिए कमल को खिलाओ। कमल ही रास्ता है, उसी से विकास होगा। आप बताओ, मोदी जी ने यहां पर अभी दो दिन पहले आए थे, तीन दिन पहले 4,700 करोड़ रुपए का यहां पर रिफाइनरी के लिए पैसा दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया। कितने किलोमीटर का सड़क बन रहा है इस बजट में? 675 किलोमीटर की सड़क 25,000 करोड़ रुपए दिया कि नहीं दिया मोदी ने? वो लगना है कि नहीं लगना है? वो तभी लगेगा जब ममता जी जाएंगी और कमल खिलेगा, ये भी हमको समझना चाहिए। विजयवाड़ा का कॉरिडोर खड़गपुर तक आसपेन सीधा यहां के विकास के लिए आर्थिक जगत में काम होगा। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि आप चाय चक्र चलाए रखो और ममता चक्र से बचो। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सम्मान में सम्मानित हे दौड़राणी दूती चांद। एने पांच जन खेला नोमिनेट होता बेले से दूती ना रही है। दूती सफलता शुभेच्छा जनाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। यहस केन्द्रमंत्री कहते देशर एक महिला खेलाड़ी सफलता एवं यह सम्मान अगर खेलाड़ी को प्रेरणा जगह। दूती चांद सहित सुटर मनु भाकर, हकी खिलाड़ी रानी रामपल, रेसलर विनेश फोगाट और चेस खिलाड़ी केनेरु हम्पी मनोनीत होती। चलित वर्ष हेबनी खंडगिरी यात्रा, कोविड कटकणा मध्ये पालन हेबो परंपरा, मात्र यात्रा हेबनी कि कौनसी प्रकार स्टॉल लागिबो नाही, एभली निष्पत्ति नेइछि बीएमसी। कोरोना कटकणा को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति निया जाइछे। विभिन्न यात्रा पार्टी एवं कमिटी सह बारंबार आलोचना परे चलित वर्ष ए मेला को बंद करा जाइछे। देर आर लॉट ऑफ कंस्ट्रेंट, लाइक एबे से जो एनएचआरआई एक्सपेंशन होउछि एंड जो हिसाब से क्राउडिंग होउछि,
सो जो करंट गाइडलाइन अच्छी कोविड पाई हमारे स्टेट गवर्नमेंट रा से गाइडलाइन को अडहेयर करी करी ये ऑर्गेनाइजेशन संभव है पारला नाही एंड डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल को गुड़ाए कमेटी तंकर एक्सेप्ट भी कले नाही एंड केते जने ये भी कहले कि नाही ये साल यदि बंद कर दिया जीवो ताले किसी प्रॉब्लम भी नाही सो टेकिंग ऑल द इनपुट्स एंड जो कोविड गाइडलाइन अच्छी ताकु मने रखी करी ताकु देखी करी आमे ए साल निष्पत्ति करीछु कि खंडगिरी मेला को ए साल आमे करिबु नाही किंतु ताहा रिलेटेड जेतिके रिचुअल्स होची रिचुअल्स अच्छी से रिचुअल्स जेमती एज यूजुअल होउथिला से कमिटी माने करिबे एंड से पई कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान रखी करी सब रिचुअल करा जीवो एंड आमे बीएमसी तरफ रु जो भी तार हेल्प अच्छी सेटा आमे फैसिलिटेट करिबु। मंत्री परिषद बैठक रे बजेट चिट्ठा प्रस्ताव को मिलिछ अनुमोदन। चलित वर्ष बजेट परिमाण 170,000 कोटी टपिबार संभावना रहिछ। विधानसभा आसंता 22 तारीख दिन अर्थमंत्री राज्य बजेट उपस्थापन करबा को जाउछन्ति, तेणु एथिरे केउ क्षेत्र को प्राधान्य दियाजिबो से विषय रे बसिथिबा बैठक रे विस्तृत आलोचना करा जाइछ। 2020-21 आर्थिक वर्ष रे बजेट परिमाण 150,000 कोटी टंका थिबा बळे आसंता आर्थिक वर्ष एथिरे 10% वृद्धि पाइबार संभावना देखा दैछ। लक्ष 70,000 कोटी टपिब राज्य बजेट। गत वर्ष तुलन में 10% बढ़ी पारे बजेट्र आकार। बजेट्र चिठा प्रस्ताव को मंत्री परिषद बैठक में मिली अनुमोदन, जो चलित आर्थिक वर्ष केउ विभाग केते टंका व्ययबराद करा जीवो और केउ केउ दिग उपरे गुरुत्व दिया जीवो एवं केउ विभाग खर्च काट करा जीवो से विषय में विस्तृत आलोचना होइछे। तबे ए वर्ष बजेट परिचालना अर्थ विभाग सृष्टि करिछि बड़ चैलेंज। पूरी कोणार्क और लिंगराज पाई अर्थर व्ययबराद सह मो सरकार और 5T कार्यक्रम माध्यम रे सरकार को घोषणा परे घोषणा बजेट पाई सृष्टि करि परे अड़ुआ परिस्थिति। निर्वाचन पूर्वरु सरकार घोषणा करितबा विभिन्न फ्लैगशिप प्रोग्राम जथा कालिया मिशन शक्ति विजु स्वास्थ्य कल्याण भली योजना को प्राधान्य देबा सह नुआ योजना आनिबा चैलेंज होई पारे। गत वर्ष सरकार 92,000 कोटी टंका विभिन्न क्षेत्ररु ऋण करितबा बेले चलित वर्ष यह पखापाखि 1,00,000 कोटी ऊर्धे पहुंचला। राज्य सरकार ऋणर परिमाण मुंड पिछा पर 25,000 टंका को छुई, तेणु बढ़ुवा ऋणभार सरकार साजिपे मुख्य समस्या। आशानुरूप भाव राज्यर राजस्व वृद्धि नहवा भी बजेट परिचालना क्षेत्र में सृष्टि करिछि विराट समस्या। 16 विधानसभा आहूत करने अधिवेशन आहूत करने ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री अप्रूव करते पोस्ट फैक्टर अप्रूवल आज कैबिनेट दे। 2014-15 2020-21 आर्थिक वर्षर बजेट को तुलना कले राज्य अर्थनीतिर संगीन चित्र सामना को आसुछे, कारण यही 7 वर्ष भितर साधारण बजेट आकार 1.5 गुणु अधिक हो जाए। अर्थात 2014-15 मोट 80,000 कोटी टंकार बजेट प्रस्तुत होता बेले 2020-21 अणा जाइला 1.5 लक्ष कोटी बजेट। से हीपरी यही 7 वर्ष भितर बजेट्रे केन्द्र सरकार अंश 9% रु अधिक बढ़ी बेले राज्यर अंश 18% ह्रास पाई। 2014-15 आर्थिक वर्षर संपूर्ण बजेट्रे राज्यर भाग 41% रही बेले 2020-21 ह्रास पाई 38% पहुंची। ऋण परिशोध करने सागे डेभलपमेंट करवा राज्य सरकार दायित्व, ताकू टैक्स आपण नॉन टैक्स टैक्स कुआडु कलेक्शन करिवे सरकार कोनोसी व्यवस्था नहीं योजना नहीं किंतु निजस्व व्यवस्था रे पार्टीटा निजे कि भले ग्रो करू सेठरे चिंता कले राज्यर समस्त जनसाधारण तांको सुख स्वच्छंद पाई पारिबे नहीं। आमर आय बढ़ेबा दरकार, आय बढ़ेबार बाट आम पाखे थुआ होइछि पूरा पूरी आम पाखे चारिक जग खेलिक रहिछि। मु बारंबार कहिछि कोउथुर आमे अधिक आय करि परिबा, आय आनिले लगे परिबा। सेपरि 2014-15 आर्थिक वर्ष रे राज्यर निजस्व आय 33,282 कोटी थिबा बेले दरमा और पेंशन बाबद को खर्च थिला 22,016 कोटी, जहाँ कि राज्य निजस्व आयर 66%। आउ एबे देखंतु 2020-21 आर्थिक वर्षर तथ्य। राज्यर निजस्व आय 56,000 कोटी थिबा बेले दरमा और पेंशन आदि खर्च हो जाइछि प्राय 40,000 कोटी टंका। खाली सेतिक नुहे, मिलिथिबा तथ्य अनुसार 2014-15 तुलना रे
2020-21 45% ବଢିଛି ରାଜ୍ୟର ଋଣଭାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏବେ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 25,000 ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝ। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ତାମିଲନାଡୁର ନିଜସ୍ୱ ଆୟ ବଜେଟ୍ର 52% ରହିଥିବା ବେଳେ କେରଳ ବଜେଟ୍ର 55% ଅର୍ଥ କେବଳ ନିଜସ୍ୱ ଆୟରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ସରକାର ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦରମା ଦେବା କଷ୍ଟକର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ଆଜି ସେ ସମସ୍ତ କଥା ଦୂର ହେଇ ସେ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନର ପେମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଗତି ଆସିଛି ଏବଂ କରୋନା ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଥକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଆମେ ସେଥିରେ କରିପାରିଛୁ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଟ୍ର 50% ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷ ତ୍ରୟମାସିକରେ ସବୁ ବିଭାଗ ବଜେଟ୍ର ଏହି ବଳକା ଅର୍ଥକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ସଚିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍ କେଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।